सभी श्रोताओं का एक्सपर्ट सेज में स्वागत है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के अभिरंजन वैश्य किसान हैं। वैसे तो ये फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए सभी तरह के जतन करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से कभी कभी इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल बीमा लेने के बाद इनकी इस समस्या का समाधान हो चुका है। आइए सुनते हैं कि अभिरंजन वैश्य क्या कह रहे हैं। मेरा नाम अभिरंजन वैश्य है। मेरा पिताजी का नाम लेट हरेंद्र चंद्र वैश्य है। मेरा गांव है लंकामोड़ा पश्चिम त्रिपुरा। मेरा एक तुरा से छूट गया एक कृषक है। देखो मेरा जमीन है, हावी है, हावी टमाटर है एवं बादा कॉफी है, बैगन है, सीम है, ऐसे आदि कर रहा है। देखिए मेरा पिछले कुछ वर्षों में यही देख रहे हैं जे समय पर वर्षा नहीं होता है और समय पर वर्षा ना होने से कुछ सूखा जाता है, जिससे हम और हमारा किसान बीमा योजना पर ही निर्भर है। इससे हमारा जो नुकसान होगा वो बीमा कंपनी के द्वारा हमारा वापस मिलता है। जो हमारी फसल नष्ट हो जाती है तब हमारा सेक्टर BLW को 72 घंटों में अंतर सूचित कर रहे हैं। इसके बाद बीमा कंपनी चास पत्थल करने के लिए आपके अधिकारी को व्यस्त है। फसल बीमा मुझे बहुत लाभ मिला है। बारिश के कारण मेरा पिछले बार फसल नष्ट हो गया था। बीमा कंपनी के लोग की चास पत्थल के बात आर्थिक रूप से हमारे मदद हो गया। देखो मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो लाभ मिला है, मैं आशा करता हूँ कि भारत को प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक किसान भाई बहन को ये योजना का सही से लाभ मिले, फसल और फसल बीमा के हाथ में आ जाए। हम तो जो बीमा कर रहे हैं वो तो कोई पैसा न लगेगा नहीं है। जो बीमा करेगा तो मेरे को पहला हम सेक्टर को बात करेगा, सेक्टर और बीमा कंपनी को बात करेगा, तो बीमा कंपनी आया था जब इंक्वायरी करेगा तो बाद में हमको देखो पिछले साल मेरा को 3,500 रुपया देते है। मैं जो कुटी हो गया दान को जो मेरा कुटी हो गया ना 3,500 रुपया देता है और कोई पैसा नहीं लगेगा। हम जो मिलता है हम इसी चाहते है जो सब किसान भाई बहन को हम इसी बात कर रहे है जो सब बीमा करेगा किसी सेक्टर को बात करने के लिए बात करेगा तो बीमा करेगा तो सब बहुत फायदा लाभ करेगा। कृषि बीमा करेगा तो बीमा से तो हमें जो जो दिया था वो हम बहुत खुशी हो गया। तो ये तो थे अभिरंजन वैश्य जी, जिन्होंने फसल बीमा को अपनाया और अपनी फसलों को सुरक्षा का कवर प्रदान किया। तो अब आप भी फसल बीमा अपना लीजिए और सभी चिंताओं से मुक्ति पा लीजिए।